शार्प का डीसी इन्वर्टर अभी हमने इसको ऑन कर दिया है, एरर कोड जो है वो डिस्प्ले पे आना शुरू हो गया है। इंडोर यूनिट और आउटडोर यूनिट दोनों स्टॉप हो चुके हैं। तो अब हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि इस एरर कोड का क्या मतलब है और इसको आपने किस तरह चेक करना है। थोड़ा सा लॉजिकल है लेकिन जब हम आपको समझाएंगे तो आप, उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। जी दोस्तों, तो देखें यहां पे टाइमर लाइट को सबसे पहले हम देख लें। तो अगर हम अपना उंगली रख लेंगे, ठीक है, तो देखें काउंट्स फिर गिन लें, 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 दफ़ा टाइमर की लाइट जो है वो 5 दफ़ा ब्लिंक करेगी। और अब हम ऊपर ऑपरेशन लाइट को गिन लेंगे, 1, 2, 3, 3 दफ़ा, यानी कि 5, 3 का कम्बिनेशन है। लेकिन इस 5, 3 का कम्बिनेशन किस तरह से है, इसमें थोड़ा सा लॉजिक है, वो भी आपको मैं अच्छे से समझा देता हूँ। इसके लिए मैंने एक चार्ट तैयार किया है जो कि कुछ इस तरह से है। देखें, ये टाइमर ब्लिंक्स हैं और ये ऑपरेशन ब्लिंक हैं, ठीक है। तो 10 सेकंड में ये हमें टाइमर जो है वो 5 ब्लिंक्स दे रहा है। और ये जो क्रॉस का क्रॉस मैंने किया हुआ है, इसका मतलब है कि यहाँ पे ये लाइट्स ऑन हो रही हैं। और जहाँ पे ये डैश लगाया है, इसका मतलब है कि यहाँ पे लाइट ऑन नहीं हो रही हैं। तो जब टाइमर की लाइट ब्लिंक करती है फर्स्ट टाइम, पहली दफ़ा, तो उसके साथ ऑपरेशन की लाइट भी पहली दफ़ा ब्लिंक कर रही है। लेकिन जब दूसरी दफ़ा टाइमर की लाइट ब्लिंक करती है तो ऑपरेशन की लाइट ब्लिंक नहीं करती है। तीसरी दफ़ा भी जब टाइमर की लाइट ब्लिंक करती है तो ऑपरेशन की लाइट ब्लिंक नहीं करती है। चौथी और पांचवी दफ़ा साथ में ब्लिंक कर रही है। तो ये देखें, ये पूरा एक कम्बिनेशन कोड बन गया है। जब भी ये कम्बिनेशन कोड आपके यूनिट के डिस्प्ले पे आ जाए तो इसका मतलब ये होता है कि आपके इनडोर फैन मोटर जो है वो फॉल्टी है। आए हम आपको मज़ीद बताते हैं कि इसकी क्या वजूहत हो सकती हैं। ये देखें, इसकी इनडोर फैन मोटर जो है वो, देखें ब्लोअर बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। देखिए मैं हाथ से इसको मूव कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये बिल्कुल ब्लोअर जो है वो काम नहीं कर रहा है, मोटर बिल्कुल काम नहीं कर रही है। तो इसका मतलब ये है कि या तो ये आपकी मोटर जो है वो फॉल्टी हो चुकी है। अगर ये बिल्कुल जाम हो जाए तो फिर तो बिल्कुल समझ जाने कि ये मोटर फॉल्टी है। इसमें फिर आपका पीसीबी भी फॉल्टी हो सकता है। लेकिन सबसे पहले हमारा फोकस मोटर पे रहेगा, इसकी फ़ैन मोटर जो है उसको चेक कर लेंगे, उसके कनेक्टर को चेक कर लेंगे। अगर वो सब कुछ सही है, मोटर जैसे जिस तरह अभी ये बिल्कुल नरम है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इसके कनेक्टर या तो लूज़ हो गया है या फिर कनेक्टर बिल्कुल उतर गया हुआ है, और या फिर इसमें इलेक्ट्रिक नहीं आ रही है, तो इस वजह से ये काम नहीं कर रही है। तो जब इलेक्ट्रिक नहीं आ रही होगी तो वो तो पीसीबी का फॉल्ट होगा। ये रहा इंडोर का पीसीबी, और देखें ये रही इंडोर मोटर का कनेक्टर। देखें जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा ये वाइट कलर में, ठीक है, मैं बाहर निकाल के दिखाता हूँ आपको। देखें ये कनेक्टर है और ये रहा पीसीबी में कनेक्टर। देखें ये यहाँ पे लगा होता है, तो अगर ये निकल भी जाए तो फिर भी ये फॉल्ट देगा, और अगर पीसीबी फॉल्टी हो जाए तो फिर भी फॉल्ट देगा, मोटर फॉल्टी हो जाए तो फिर भी यही फॉल्ट देगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की ये इन्फॉर्मेशन आपको बहुत अच्छी लगी होगी और ये आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।